क्या एक्सट्री पावर सेवन ये इस प्रकार से है, समझ गया ना, इस प्रकार से इस्तेमाल लाएंगे, कोई भारी छूने वाला सवाल नहीं है। देखो इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन में पावर में एक जोड़ देते हैं, पावर में हम क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं, तो पावर यहाँ पर क्या है, सात सात है ना, तो सात में एक क्या करोगे, जोड़ देगा उसी से ऐसे जोड़ दे, जोड़ दिया जी। अब जो पावर, अब पावर कितना होगा बोलो, पावर क्या है, सात प्लस एक है ना जी। तो यहाँ पर क्या कर गया, सात प्लस एक, सात प्लस एक कर दिया ना जी। अब ऐसे कर दो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में रख दो, इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, समझ गया ना। अब ये इसको लिमिट बोलते हैं, ये जो तीन है इसको हम क्या बोलते हैं, लिमिट। ये तीन क्या है, अपर लिमिट। ये दो क्या है, लोअर लिमिट। ये अपर लिमिट, ये क्या हो गया, लोअर लिमिट। ये ऊपरी सीमा हो गया, ये क्या हो गया, निचली सीमा, समझ गया ना। उसी प्रकार से यहाँ पर तीन देना है, दे दिए ना, यहाँ पर क्या देगा, दो। अब देखो सात एक क्या हो गया, आठ, एक्स पावर क्या हो गया, सात जोड़ी एक कते भाग ले बोलो, आठ, सात एक कते भाग ले, आठ भाग ले। देखो आप पोस्ट दबे न करब, क्या पोस्ट के क्रिया अभी खत्म नहीं भेल छे, थ्री ये टू हो गया ना। अब देखो एक बार करना क्या, ये जो तीन है, ये जो तीन है एक्स के स्थान पर तीन को रख दोगे तो तीन पर पावर क्या होगा, आठ, बटा क्या होगा, आठ। अब देखो ये दो भी ना रखना है जी, तो अब जोड़ के रूप में रखना है कि घटो के रूप में रखना है, यह भी ना बात आता है। तो किस प्रकार से रखते हैं, घटा के रखते हैं, माइनस के रूप में, किस प्रकार से रखते हैं, माइनस के रूप में, तो माइनस क्या होगा, टू पावर आठ बटे आठ हो गया ना। अब देखो वन बटे एट कॉमन ले लो, थ्री पावर क्या हो गया, एट, माइनस टू पावर क्या हो गया, एट। इनको आठ बार गुना कर दो, दो को भी आठ बार गुना करके घटा दो, हो गया आंसर, समझ गया ना। अब इस टाइप का कोई भी सवाल आए बनाएगा कि नहीं बनाएगा जी, बनाएगा ना। ऐसे क्वेश्चन आपको दो मार्क में रहेंगे, समझ गया ना। ये पहला हो गया, दूसरा भी है क्वेश्चन, देखो आपको रहेंगे साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, इनका मान निकालना, इनका मान निकालना है। देखो साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, इनका फॉर्मूला आप लोगों को याद है, जो याद है, जिनको याद है उनके लिए एकदम कुछ भी नहीं है, जिनको याद नहीं है वो याद कर लो। तो देखो वन माइनस क्या होता है, कोस टू एक्स, बटे क्या होता है, कोसेंट करता, ये टू हो गया ना, ये डी एक्स हो गया, ये क्या हो गया, डी एक्स। आप करेगा क्या, दो से जो है ना, ये नीचे में दो है ना, तो इस दो से एक बार किस में भाग लगेगा, एक में, एक बार किस में लगेगा, इसमें लगेगा, तो क्या होगा, वन बाय टू डी एक्स माइनस कोस टू एक्स बाय क्या होगा, टू, ये डी एक्स होगा, समझ गया ना। तो ये वन बाय टू डी एक्स का क्या होगा, डी एक्स का क्या होगा, एक्स हो गया, अब माइनस हो गया। अब देखिए ये जो वन बाय टू है ये कॉन्स्टेंट है, ये वन बाय टू क्या है, तो ये बाहर आ जाता है, समझ गया ना। उसके बाद देखो कोस का क्या होता है, इंटीग्रेशन कल लिखा है, कोस का क्या होता है, साइन होता है ना, कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है, समझ गया ना जी। ये यहाँ पर कोस है, क्या लिखेगा, साइन, ये टू एक्स है ना, एंगल में कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है, यहाँ पर क्या लिख दो, टू एक्स ही लिख दो, बटा। अब देखो एक्स में क्या गुना है, दो गुना है ना, एक्स में दो गुना है, भागा कितना से लगेगा, दो से ही लगेगा, प्लस क्या करेगा, देखो एक्स वाई क्या हो गया, टू, और दो दूनी क्या हो गया,
ये आंसर हो गया। ये आपको 2019 का क्वेश्चन है। कोट स्क्वायर एक्स डी एक्स, कोट स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान निकालना है। अब देखो कोट स्क्वायर एक्स के लिए फॉर्मूला लिखा है, देखो तो या बुक में देखो है नहीं ना है। आप सोचेगा किसका फॉर्मूला तुम जानते हो, ये समझ गया ना, कोसेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला जानते हो, लेकिन कोट स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला जानता है नहीं ना। मान को जैसे मान तो देखो बनाओगे कैसे, तो कोट स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या जानते हो, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। क्लास टेंथ में पढ़ा होगा कोट स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। जो फॉर्मूला नहीं जानता है समझ लो कि कोट स्क्वायर एक्स का ये फॉर्मूला होता है, कोट स्क्वायर एक्स का ये फॉर्मूला होता है। ये यहाँ पर डी एक्स हो गया। अच्छा ये जो इंटीग्रल साइन है एक बार इसमें गुना होगा और डी एक्स एक बार इधर से गुना होके आएगा हुँ? तो बोलो हम क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटीग्रल ऑफ, इंटीग्रल ऑफ पड़ेगा कैसे, इंटीग्रल ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स इधर से डी एक्स इसमें गुना होगा तो क्या हो जाएगा डी एक्स। अब देखो ये क्या है माइनस है, ये क्या है यहाँ पर माइनस देगा। अब देखो ये क्या हो गया डी एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, माइनस कोट एक्स क्या होता है, माइनस कोट एक्स। देखो इंटीग्रल ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, माइनस कोट एक्स क्या होता है, बोलो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोट एक्स। आप बोलो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोट एक्स। तुम बोलो माइनस कोट एक्स, माइनस कोस होगा, कम से कम सुन के भी बोलो माइनस कोट एक्स क्या होता है, माइनस कोट एक्स। आप बोलिए माइनस कोट, बैठ के जवाब देना है, माइनस कोट एक्स। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। अभी ये जो लड़के हैं क्या बोले हैं, माइनस कोट एक्स, माइनस कोट एक्स क्या होता है, माइनस कोट एक्स। बोलिए दो बार कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोट एक्स। आप बोलो माइनस कोट एक्स, माइनस कोट एक्स, माइनस कोट एक्स। समझ गया ना। अब देखो डी एक्स में एक में गुना करेगा, एक गुना डी एक्स क्या होगा, डी एक्स। हाँ इंटीग्रल को एक से गुना करेगा तो इंटीग्रल एन होगा जी। अब देखो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोट एक्स हो गया ना। डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, अब कुछ और कुछ करेगा। ये डिफिनिट इंटीग्रल है कि इंडिफिनिट इंटीग्रल, इंडिफिनिट इंडिफिनिट इंटीग्रल क्या करते हैं, कॉन्स्टेंट लगाते हैं, कॉन्स्टेंट लगाते हैं जी। तो प्लस क्या करेगा कि ये अब बना, ये सवाल अब बन गया। अब देखो ये तो इस बार का सवाल था, इस बार का क्या सवाल आएगा ये भी देख लो। ये इस बार का सवाल रहेगा, समझ गया ना। ये भी दिया है, ये चटनी था समझ गया ना, ये पलो है जो अब की बार एकदम खाने के लिए मिलेगा। तो बोलो इसको क्या करोगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन कर देंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स। अब बोलो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तुम बोलेगा क्या होता है, टेन एक्स। तुम बोलो, तुम बोलो, आप बोलिए टेन एक्स क्या होता है। ये सब ऑब्जेक्टिव में नहीं, दो नंबर में रहेगा सवाल। ये कितने नंबर का सवाल है, ये कितने नंबर में रहेगा, समझ गया। आप देखो
तो sec स्क्वायर x का क्या होता है, ऐसे बनाएगा कैसे, यहाँ पर सॉल्यूशन लिख देगा, आप देखिए sec स्क्वायर x dx माइनस क्या करेगा dx sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, ये tan x हो गया। अब देखो dx का क्या होगा, x प्लस या c जोड़ो कि k जोड़ो बोलो, आज कम करेंगे कल से और ज्यादा होगा। क्लास का बेइज्जती का मतलब हुआ याद करना, समझ गया ना? यस यस। क्लास का बेइज्जती क्या हुआ याद करना, ये ट्रिक है, समझो कि एकदम बेइज्जत कर रहा है। क्लास में कोई बेइज्जत होता है जी? मैं सर याद होता। मतलब क्लास में आप नहीं जानते तो आप सीखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, इनका फॉर्मूला जानते हो, इनका फॉर्मूला जानते हैं? नहीं जानते हैं? फॉर्मूला जानता डायरेक्टली लिख देता, फॉर्मूला नहीं जानता है? ये अब इनको बनाना है, काट छांट छील मांट सब चीज करना है, समझ गया ना? अब जो जानते हो वही चीज करो। वन क्या होता है, वन किसका मान होता है, साइन स्क्वायर थीटा, जो कोस स्क्वायर थीटा, वन किसका मान होता है, लेकिन यहाँ पर एंगल में एक्स के फॉर्म में, एंगल में किस फॉर्म में है, तो क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस क्या हो गया कोस स्क्वायर एक्स। अब देखो साइन टू एक्स को हम क्या लिखते हैं, साइन टू एक्स का फॉर्मूला, टू साइन एक्स इंटू कोस एक्स, टू साइन एक्स इंटू क्या होता है कोस एक्स होता है, ये डी एक्स हो गया, सुन गया? आप बोलो ये किस फॉर्म में है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर होता है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, इसको हम क्या लिखेंगे, साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, ये डी एक्स हो गया ना। अब देखिए, अब रूट में कोई संख्या, रूट में कोई संख्या वर्ग में हो, किसमें हो, वर्ग में, ये तो कोई वर्गमूल होता है, समझ गया ना जी। ये क्या हो गया वर्ग, वर्ग वर्ग मतलब क्या हो गया, पावर दू स्क्वायर, समझ गया ना, स्क्वायर का हिंदी क्या होता है वर्ग, वर्ग मतलब पावर दू। तो देखो ये जो रूट है इसका मान कितना होता है, हाफ, हाफ पावर होता है, ये क्या होता है, तो दो दो कट गया, यानी सिंपल बात, अगर ये जो है वर्ग में है तो रूट से बाहर आ जाएगा, रूट से क्या होगा, तो ये रूट से बाहर निकलेगा, क्योंकि दो को संख्या है वो निकल जाता है, यानी दो बार ये गुना है, तो यहाँ पर क्या होगा, साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स हो गया ना। अब देखो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस एक्स, क्या होता है, कोस एक्स का क्या होता है, अब क्या देगा, ये कौन इंटीग्रल है, डिफिनिट या इंडिफिनिट, इंडिफिनिट मार्बोन है, डिफिनिट मतलब इंडिफिनिट, ट्रिविया क्वेश्चन, इस बार जो आने की संभावना है, आप देखो इंटीग्रल ऑफ रूट ओवर वन प्लस कोस टू एक्स डी एक्स, ये ट्रिविया क्वेश्चन है, इस बार आने की संभावना है, इस बार आने की संभावना, क्यों संभावना है, क्योंकि इससे पहले पूछ चुका है इंटीग्रल ऑफ रूट ओवर वन प्लस साइन टू एक्स डी एक्स, अभी बनाया है ना, इस फॉर्म में दे सकता है, तो बोलो इसको कैसे सोल्व करेगा, कोस टू एक्स का फॉर्मूला लगा के इनका ऐसे बनाएगा, जो सोल्यूशन लिख दिया, ये इंटीग्रल साइन देगा, और वन प्लस कोस टू एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, वन प्लस कोस टू एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइन टू एक्स, मार खाएगा, मार खाएगा।
साइन होता है माइनस में, याद रखो वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू होता है, टू कोस स्क्वायर एक्स बाय टू, टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस वन बाय टू, टू कहाँ से लाएगा, टू कोस स्क्वायर एक्स होता है डायरेक्टली होता है नहीं होता है, समझ गया। आप देखो ये कैसे हो जाता है, इसे देखो कोस टू एक्स हो गया ना, ये कोस क्या है टू एक्स, कोस टू एक्स को हम क्या लिखते हैं, कोस टू एक्स को हम क्या लिखते हैं, लेकिन कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर एक्स माइनस क्या लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो कोस के फॉर्म में ढालना हो, किसके फॉर्म में ढालना हो, कोस के फॉर्म में, देखो कोस स्क्वायर ये एक्स होगा, इनको क्या लिखेंगे वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स माइनस से गुना करो माइनस हो गया प्लस क्या हो गया कोस स्क्वायर एक्स, एगो कोस एगो कोस क्या कोस होगा, ये माइनस वन हो गया ना, तो कोस क्या हो गया ये टू एक्स हो गया ना, ये माइनस में इस साइड आएगा तो क्या होगा वन प्लस कोस टू एक्स, तो अब देखो क्या बचा टू कोस स्क्वायर एक्स, यही ना बचा, इसलिए वन प्लस कोस टू एक्स का फॉर्मूला क्या होता है टू कोस स्क्वायर एक्स, इस फॉर्मूला को याद रखो, और दूसरा जो फॉर्मूला होता है वन माइनस कोस टू एक्स, इसका मतलब होता है टू साइन स्क्वायर एक्स, ये होता है इसका मतलब, इन दो फॉर्मूला को तो अवश्य याद रखिए, हर वक्त इनका यूज होता है, समझ गया ना, इनका यूज हर जगह हो रहा है। उसके बाद देखो एक साइन ये टू एक्स वाले फॉर्मूला को याद रखो, टू साइन एक्स इंटू क्या होता है कोस एक्स, अब देखिए ये स्क्वायर आ गया ना, रूट से बाहर आ जाएगा, तो देखो ये इक्के गुना दो है जी, जोड़ा ना निकलता है तो दो तो नहीं निकलेगा, ये यहाँ पर क्या होगा कोस एक्स डी एक्स हो गया ना, रूट ओवर दो निकल गया, कोस एक्स का क्या होता है साइन एक्स, साइन एक्स अब यहां से भी न करेगा, देखो एक ये क्वेश्चन हो गया ये वन माइनस कोस टू एक्स ये डी एक्स है, ये इस प्रकार से है, अपर लिमिट क्या है पाई बाय टू जीरो हो गया ना, उसके बाद है कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स है, कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, कोस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिखेंगे क्या फॉर्मूला होगा अभी, वन प्लस कोस टू एक्स बाय टू, वन प्लस कोस टू एक्स बाय क्या होगा टू, ये फॉर्मूला होता है, जो नहीं समझा जो नहीं समझ रहा है तो समझ लेना कि कोस स्क्वायर एक्स का मान ये होता है, कोस स्क्वायर एक्स का मान ये होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है, देखो दो से बारी बारी से भाग लगेगा ना जी, क्या लगेगा तो पाई बाय टू जीरो वन बाय टू ये डी एक्स हो गया प्लस पाई बाय टू कोस टू एक्स बाय क्या होगा टू ये डी एक्स। अब देखो ये वन बाय टू कॉन्स्टेंट है, ये क्या है कॉन्स्टेंट का जो है ना इंटीग्रेशन नहीं होता, ये बाहर निकल आता है जी, तो वन बाय टू आ गया बाहर, और डी एक्स का क्या होगा डी एक्स का एक्स डी खत्म, डी क्या हो गया खत्म, क्योंकि डी से गुना करते थे डिफ्रेंसिएशन में डी बटा डी एक्स एक्स के सापेक्ष करते थे, चलिए डी क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा बचेगा क्या एक्स। आप देखो ये चीज मत भूलना, ये जो ऊपरी सीमा है और निचली सीमा, यहाँ पर क्या देगा पाई बाय टू ये जीरो, ये हो न गया अभी तक तो इसका ही क्रिया हुआ है, तो हुआ है बसा क्या ये प्लस, उसके बाद देखो कोस टू एक्स क्या हो गया कोस टू एक्स, तो कोस का क्या होता है
कोस का इंटीग्रेशन साइन, कोस का इंटीग्रेशन साइन, ऐसे साइन लिख दो। देखो साइन कोस, कोस साइन बोलेगा ही नहीं, एकदम रटते रहो, समझ गया ना। तो साइन का माइनस कोस होगा इंटीग्रेशन में, साइन में माइनस लग जाता है, उनका इंटीग्रेशन निकलता है। चलिए तो कोस का क्या हो गया साइन, एंगल ये टू एक्स क्या है, एंगल है कोण, ये रख ही देगा, रख दिया ना, एंगल में गुणा क्या है भरपूर हो जाएगा, दो है ना। तो देखो डिफरेंशिएशन में गुणा होता है, इंटीग्रेशन में भाग लगेगा, उल्टा एक्स में गुणा दो है तो दो से भाग लगेगा, भूलेगा भी, इंटीग्रेशन में गुणा रहेगा तो क्या लगेगा भाग, तो इस दो में ये दो गुना होगा ना, दो दूनी क्या हो गया, ये जो बड़ी पोस्ट से ऐसे घेर दो, घेर दिए ना, अब यहाँ पर क्या देगा, यहाँ पर क्या देगा, फाइव बाई टू, ये जीरो होने गया। अब देखो यही बराबर, देखो यही बराबर छ, अगर आप लिख दलिए वन बाय टू छह, ये तो आब गल है। अब देखिए ये जो पाई बाय टू है इस एक्स के स्थान पर रखो, किसके स्थान पर रखेगा, तो ये पाई बाय टू और माइनस क्या होगा, ये देखो ई पाई बाय टू छह एक्स के स्थान पर रखोगे फिर माइनस लगाए दो, फिर की करोगे उसके बाद एक्स के स्थान पर क्या रख दोगे जीरो, तो पाई बाय टू माइनस क्या हो जाएगा जीरो हो गया ना। अब ये क्या है प्लस है, तो यहाँ पर क्या करेगा प्लस, ये जो फोर है ना इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको बाहर ही निकाल दो, इनको हम क्या करते हैं, देखो ये एक बटे चार छे ना, अगर आप बाहर नहीं लिख सके छे अकड़ा हम एक प्रकार से लिख सके छे एक बटे चार। अब यहाँ पर देखिए ये साइन टू लिख देगा एक्स, समझ गया ना, ई एक्स का मान है ऊपर वाले मान को पहले देगा और बाद वाले मान को घटा के तब देगा, समझ गया ना, ई एक्स के मान समझ जाओ, यहाँ पर क्या देगा फाइव बाई टू, ये माइनस हो गया साइन। अब देखो दो गुना जीरो ये हो गया ना वन बाय टू, ये पाई बाय आपका क्या हो गया टू, ये प्लस देखिए यहाँ पर है ना वन बाय फोर। अब देखिए तो साइन ये दो ये कट गया ना, ये कट गया, साइन पाई का मान कितना होता है, साइन पाई का मान कोस पाई का मान माइनस वन, साइन पाई का मान होता है जीरो और कोस पाई का मान, क्यों साइन पाई का मान जीरो, देखो ये पाए है ना साइन पाए, तो साइन पाए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन पाए नब्बे डिग्री है जोर, नब्बे डिग्री 180 डिग्री नहीं हो गया, और साइन 90 डिग्री और प्लस थीटा क्या होता है माइनस कोस थीटा, क्या होता है मारेंगे हम प्लस कोस थीटा, कोस थीटा होता है क्या होता है, कोस पाई बाय टू। अच्छा कोस नब्बे डिग्री का मान कितना होता है जीरो, जीरो तो इसलिए साइन पाई का मान क्या निकल के आया जीरो, इसलिए साइन पाई का मान क्या देंगे जीरो, और दो गुना जीरो क्या हो जाएगा जीरो, और साइन जीरो का मान जीरो, सॉरी साइन जीरो का मान जीरो, जीरो में से जीरो गया जीरो, जीरो से कोटे चार में गुना करेगा जीरो, अब सुनाओ इसको कौन बना सकता है, कर दीजिए बना के एकदम आंसर बोलेगा, आंसर ही बना रहा तो ना भी बना दीजिए, सीखने का
का जो सवाल है ये इस प्रकार से है, ये डिफरेंस सीएल इक्वेशन का सवाल है e टू दी पावर एक्स माइनस वाई, तो ये डी वाई क्या हो गया, डी एक्स हो गया। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, e टू दी पावर एक्स इंटू टू पावर माइनस वाई लिख सकते हैं ना। अब देखो माइनस को हटाना हो तो नीचे में और में ले आते हैं, माइनस को हटाना हो तो हम क्या करते हैं, क्यों ले आते हैं, देखो एक्स पावर माइनस वन इनको हम क्या लिखते हैं, वन बटे एक्स, समझ गया ना, तो माइनस खत्म हो जाता है। माइनस को खत्म करना हो, माइनस को खत्म करना हो नीचे में ले आएगा, क्या करेगा नीचे में ले आएगा। बोलो e टू दी पावर एक्स, अब क्या लिखोगे e टू दी पावर वाई, e जो है इधर क्या है भागा में कि गुना में, भागा में, बराबर की साइड क्या होगा गुना, समझ गलो, इन्हें की छे भागा में अरे में की है, अब क्या लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्सो लिखो जी, अरे इसमें ले है ये सब चीज लग ले है, इसमें लग ले है सिर्फ इंटीग्रल साइन लगाना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशियल निकाल आप बोलो e टू पावर एक्स, e पावर वाई हो, e पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है पावर एक्स होता है, e पावर एक्स होता है, उसी प्रकार से e पावर वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, e पावर क्या होगा वाई, ये क्या होगा पावर एक्स प्लस, समझ गया ना, ये क्या होगा प्लस, ये तो फॉर्मूले सी डायरेक्ट को लिखो प्लस सी या प्लस क्या गले ना, ये आंसर भाग ले देखो, ये 19 करिए आपके बार 20 के सवाल, 23 उतर देवियाँ 2020 क्वेश्चन, यहाँ पर क्या करो प्लस, आप देखो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा प्लस हो गया ना, डी वाई ये इधर गुना में इधर क्या होगा ये इधर भाग है इसमें क्या होगा हो गया ना। अब देखो इसको ऊपर ले जाएगा, इसको क्या करेगा ऊपर ले जाएगा, ऊपर ले जाएगा तो क्या होगा ये होगा ना, दोनों तरफ क्या करो इंटीग्रल साइन लगा दो, लगा दिए, लगाने के बाद बोलो इसका क्या होगा माइनस ई पावर माइनस वाई, ये तो होगा ही और वाई में गुना क्या है माइनस एक, तो माइनस एक से भाग लगेगा, माइनस एक से क्या होगा भाग लगेगा, ई पावर एक्स का क्या होगा ई पावर एक्स से होगा, अब प्लस क्या होगा सी या के, प्लस सी या के। अब देखो गुना कर दो, हो गया आंसर।